गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे और में गार्डिंग, ठीक है। उसके पहले क्या पढ़ा था हमने, टे एंड ट्रस्ट में क्या होता था, जो पोल रहता था वो पोल के ऊपर क्या आता था, लोड आता था, किसका, कंडक्टर का। तो वो लोड ना आने की तरह क्या करते थे, और जहाँ पे जगह नहीं रहते थे वहाँ पे क्या करते थे, स्टे लगा देते, कैसे, ऊपर से स्टे लगा देते, ठीक है। उसका स्टे उसमें क्या करता था, एक स्टे भी इंसुलेटर था, कौन सा इंसुलेटर था, स्टे इंसुलेटर भी रहता था, ठीक है। तो वैसे भी आज हम एक गार्डिंग टॉपिक पढ़ेंगे। तो गार्डिंग एक्चुअली रहता क्या है, गार्डिंग किसमें आता है, ओवरहेड लाइन में आता है, किसमें, ओवरहेड लाइन में। तो ओवरहेड लाइन में कौन सा रहता है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है। तो क्या है, कंडक्टर हो गए, किसके हो गए, कंडक्टर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से क्या होता है, ज्यादा हवा आने के कारण कभी कभी कंडक्टर ब्रेक हो जाता है। तो कंडक्टर ब्रेक होने के बाद क्या होता है, वो कंडक्टर नीचे गिर सकते हैं, उसकी वजह से क्या होते हैं, नीचे एनिमल्स जैसे हम भी रहेंगे मैन, तो क्या होता है, उसको करंट शॉक लग सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, गार्डिंग करना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, गार्डिंग करना पड़ता है। इतना समझ में आ गया, लेकिन गार्डिंग होता क्या है वो भी पता रहना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इसमें एक झूला बनाते हैं, झूला, ठीक है। इसमें क्या बनाते हैं, झूला बना लेते हैं, ठीक है। वो झूले की वजह से क्या होता है, जो कंडक्टर ब्रेक हो जाएगा, और कंडक्टर ब्रेक हो तो क्या होता है, झूले पे, झूले के झूले में आ जाएगा। तो यही प्रोसेस को क्या बोलते है, गार्डिंग बोलते है। जो कंडक्टर ब्रेक होने के बाद जो झूले में आता है उसको क्या बोलते हैं, गार्डिंग बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। इसमें गार्डिंग में तो ये झूले में क्या होता है, झूले में क्या रहता है, जो अपना फेज रहता है, फेज और अर्थिंग, फेज और अर्थिंग की वजह से क्या होता है, वो कंडक्टर शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट होने की वजह से क्या होता है, वो वही भी क्या होता है, सर्किट ब्रेकर, उसको नहीं तो फ्यूज लाइन ऑफ कर लेता है वही पे। क्यों, जो फ्यूज और अर्थिंग किसमें रहती है, वो झूले में रहती है। झूले के अंदर क्या रहता है, कंडक्टर जो ब्रेक होता है उसकी वजह से क्या होता है, फेज और अर्थिंग ये क्या होती है, शॉर्ट रहती है, ठीक है। यानी जो ग्राउंड का रहता है शायद, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, गार्डिंग, ठीक है। तो गार्डिंग क्या करता है, सर्किट ब्रेकर को यानी सिग्नल पहुंचा देता है कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ है, ऐसा भी मान बोल सकते हैं हम, ठीक है। इसमें दो प्रकार है गार्डिंग में, तो कौन से दो प्रकार है, कौन से दो प्रकार है, एक क्रिस्टल गार्डिंग, ठीक है। इसमें कौन से प्रकार है, क्रेडल गार्डिंग और केज गार्डिंग, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, क्रेडल गार्डिंग में क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है ना, ये जो लगे, ठीक है, एक क्रॉस हमें इसके ऊपर इंसुलेटर लगे, ठीक है। तो गार्डिंग कैसे करती है, देखो कंडक्टर क्या है, कंडक्टर हो गया, कंडक्टर ऊपर जो लगी है इसको क्या बोलते हैं, गार्डिंग बोलते हैं, जो कंडक्टर को अटैच है, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल है यानी ऐसे, हॉरिजॉन्टल इसको बोलते हैं, वर्टिकल ऐसे, ठीक है, समझ में आया इतना। तो हॉरिजॉन्टल इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो क्रेडल गार्डिंग ऐसे रहती है, हॉरिजॉन्टल में क्रेडल गार्डिंग ऐसे रहती है, ठीक है, और वर्टिकल में केज गार्डिंग कैसे रहती है, वर्टिकल में इतना ध्यान रखना है, वर्टिकल में कैसे रहती है, ऐसी गार्डिंग रहती है, ठीक है। इसमें क्या लगा है, नीचे में अर्थ कंडक्टर लगा है, इसको न्यूट्रल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो ये इंसुलेटर कौन सा, टे इंसुलेटर है, ठीक है। जो वर्टिकल लाइन जाती है उसमें कौन से करते गार्डिंग, केज गार्डिंग बोलते हैं, और जो
हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है उसमें कौन सी गार्डिंग करते हैं, क्रेडल गार्डिंग करते हैं। ठीक है, जो अपने मेरे ख्याल से क्रेडल गार्डिंग किस लिए है, लो वोल्टेज के लिए ज्यादा ज्यादा यूज होती है। इसका वायर का गेन कितना रहता है, 8 से 8 नहीं तो 4 नंबर का गेज रहता है। ठीक है, इसमें क्रेडल गार्डिंग में इतना समझ में आ गया। कौन सा रहता है वायर, जीए का कंडक्टर रहता है, किसका कितना एमएम का रहता है, गेज नंबर 8 का रहता है, तो 4 का रहता है। इसके लिए लो वोल्टेज के लिए केज गार्डिंग का होता है, जब गिरता कोई एका तार गिरा तो क्यों किया किया जाता है, ये भी लो वोल्टेज हाई वोल्टेज के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में, ये क्या होगा गार्डिंग का हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें टाइप की गाड़ी रहती है, क्रेडल गाड़ी रहती है और केज गाड़ी रहती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इसके बाद क्या देखेंगे, जो ओवरहेड लाइन के लिए ऊपर बिजली, कभी कभी बिजली भी ओवरहेड लाइन के लिए हानि पहुंचा सकती है, तो उसके भी उसमें जो लगता है मटेरियल कौन सा लगता है और कौन सा यूज किया जाता है वो भी देख लेंगे। जो सिर्फ गार्डिंग किसका हो गया, कंडक्टर का, कंडक्टर ब्रेक होगा तो उसका बात, इसके लिए उपाय बताया मैंने। ठीक है, कौन सा रहते हैं गार्डिंग करते, ठीक है, ट्रांसमिशन के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कंडक्टर तो ब्रेक नहीं होता है, कभी कभी कंडक्टर ब्रेक नहीं होता है, लेकिन जो हमारा एटमोस्फियर की वजह से क्या होता है, जो टेम्परेचर की वजह से कभी कभी बिजली रेनी सीजन में क्या होता है, बिजली निर्माण से, तो बिजली से क्या होता है, अपने को पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ऐसे चार्ज मिलते हैं, चार्ज कैरी करते हैं, तो चार्ज की वजह से क्या होता है, हमारी लाइन को करंट ज्यादा प्रोवाइड होता है। इसलिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए भी अर्थिंग करना पड़ता, उसके लिए अर्थिंग कौन सी करनी पड़ती है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कौन सी ग्राउंड वायर लगाते हैं उसके लिए हम, क्योंकि जो बिजली से जो आयनाइजेशन होता है उसकी वजह से क्या होता है, जो अपने को चार्ज मिलता है वो मेरी उसमें कौन सा चार्ज मिलता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसमें क्या होता है, ग्राउंड वायर लगाते हैं यानी ग्राउंड अर्थिंग करते हैं। तो ग्राउंड अर्थिंग करने के लिए किसको बोलते हैं हम ग्राउंड अर्थिंग, जो ट्रांसमिशन लाइन है, जो ट्रांसमिशन लाइन के इसमें से जो कंडक्टर जा रहा है ऊपर से, उसको जब डायरेक्ट जमीन को अर्थ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड वायर बोलते हैं। ठीक है, जो ट्रांसमिशन लाइन से कंडक्टर जा रहा है और डायरेक्ट जमीन को अटैच हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड वायर बोलते हैं। जब ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा वायर रहता है, ग्राउंड वायर भी रहता है, क्यों लगाते रहते हैं, ग्राउंड वायर कितने कहां-कहां पे अटैच रहता है, 4 जगह पे अटैच रहता है, तो कितने डिस्टेंस पे, मिनिमम 1.6 किलोमीटर तक 4 जगह पे इसको अटैच करते हैं। यानी तो क्या होता है, इसमें कौन सा रूल लगा, इसमें
आईडी रूल नाइनटी के अनुसार, ठीक है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नाइनटी के अनुसार ये रूल बताता है कि 1.6 किलोमीटर में हर जगह पे इसको ग्राउंड वायर का स्पर्श किया जाता है। ठीक है, देखिए आपको क्या ग्राउंड वायर करा। इसके बाद आता है लाइटिंग अरेस्टर, लाइटिंग अरेस्टर शॉर्टकट में पढ़ने का, लास्टिंग अरेस्टर होता क्या है एक्चुअली वो देखेंगे। लास्टिंग अरेस्टर भी एक प्रकार का इंसुलेटर ये रहता है। लाइटिंग अरेस्टर एक प्रकार का इंसुलेटर रहता है, लेकिन वो अपने साधारण वोल्टेज और करंट की फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन करता है? लाइटिंग अरेस्टर। लाइटिंग अरेस्टर का पहला वायर कहाँ पे डाला जाता है? पेज पे, और दूसरा ग्राउंड किया जाता है। ठीक है, दूसरा वायर क्या है इधर ग्राउंड किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? लाइटिंग अरेस्टर। लाइटिंग अरेस्टर में प्रकार है, टाइप से इसमें, ठीक है, तो लाइटिंग अरेस्टर में कौन से टाइप से? पहला कौन सा है? हॉर्न गैप लाइटिंग अरेस्टर। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? इसका तीसरा नंबर है ऑटो वॉल्व। ऑटो वॉल लाइटिंग अरेस्टर। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला क्या है? फोर्थ का थायराइड अरेस्टर। थायराइड लाइटिंग अरेस्टर, ठीक है, कौन से कौन से? हॉर्न गैप लाइटिंग अरेस्टर, ऑफसाइड फिल्म अरेस्टर, ऑटो वॉल अरेस्टर, थायराइड अरेस्टर। लेकिन एक कब लगाते हैं और कहाँ पे लगाते हैं और इसकी कितनी वैल्यू है ये देखेंगे। लेकिन लाइटिंग अरेस्टर पता चल गया आपको। लाइटिंग अरेस्टर मैंने क्या बताया था कि लाइटिंग अरेस्टर क्या करता है, जो वोल्टेज रहता है और फ्रीक्वेंसी रहता है उसको तो कंट्रोल करता है, और किसको कर सकता है? जो अभी बिजली रहती है ऊपर की, जो बिजली आती है उसको भी लाइटिंग अरेस्टर उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। इसका वर्किंग वही है, जो बिजली आती है उसके लिए भी काम करता है एडवांटेज, और वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को भी कंट्रोल करने का काम लाइटिंग अरेस्टर करता है। ठीक है, इसके डायग्राम अभी ये भी बता देता हूं। ये देखो, ये क्या आ गया? हॉर्न गैप लाइटिंग अरेस्टर है। ठीक है, इसमें क्या हो गया? यहाँ पे मेटल के दो इलेक्ट्रोड है, क्या है? दो इलेक्ट्रोड है। इसको पहला इलेक्ट्रोड क्या किया है? लाइन को जुड़ा है, और दूसरा इलेक्ट्रोड चोक कॉइल, नहीं तो इसको चोक कॉइल नहीं तो रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, चोकिंग कॉइल को, रेजिस्टेंस को इसके थ्रू क्या किया? अर्थ किया है। ठीक है,
इस दोनों के इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं? हॉर्न बोलते हैं। इस दोनों इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं? हॉर्न बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं जो अटैच किया अर्थिंग से, उसको क्या बोलते हैं? हॉर्न बोलते हैं। ठीक है, और जो इसका इसमें जो गैप रहे, इस दोनों के इसमें गैप है इलेक्ट्रोड में, उसको क्या बोलते हैं? हॉर्न गैप बोलते हैं। ठीक है, एक क्या हो गया? लाइटिंग कंडक्टर हुए, लाइटिंग कंडक्टर हुए। ठीक है, उसके बाद क्या दिखाया इसमें? ये देखो हॉर्न गैप, यहाँ पे भी हॉर्न गैप बताई है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हॉर्न गैप अरेस्टर बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? गैप लाइटिंग अरेस्टर। ठीक है, एक इसके कौन से वोल्टेज के लिए? इसका यूज होता है मीडियम वोल्टेज के लिए। गैप लाइटिंग अरेस्टर का यूज क्या होता है? मीडियम वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। उसके बाद इसका क्या होता है? ऑक्साइड फ्यूम अरेस्टर कैसा रहता है? इसका जो डायमीटर रहता है डायमीटर रहता है, और हाइट इसका कैसा कंस्ट्रक्शन? इसमें जो कंस्ट्रक्शन है तो एक क्या रहती है? ट्यूब रहती है नड़ी। ठीक है, एक नड़ी देखो क्या करती है, एक मिनट। डायमीटर क्या रहता है? 6 सेंटीमीटर रहता है, और हाइट कितनी रहती है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या करती है? पर किलोमीटर में एक नड़ी यानी ट्यूब अटैच किया जाता है, ट्यूब जैसा अटैच किया जाता है। डायमीटर उसका कितना रहता है? 6 सेंटीमीटर, हाइट 5 सेंटीमीटर पर किलोमीटर में इसको अटैच करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्साइड फिल्म अरेस्टर। उसमें क्या करते हैं? जो ट्यूब रहती है उसमें गोला ऐसे गोले डालते हैं, तो गोले में क्या रहता है? लेड पर ऑक्साइड, लेड पर ऑक्साइड मीटर रहता है रहता है, तो कुछ कुछ डिस्टेंस पे इसको उसमें ट्यूब में डालते हैं। ठीक है, इसलिए क्या बोला इसको? ऑक्साइड फिल्म अरेस्टर। ठीक है, तो ये जो लेयर पर ऑक्साइड है उसका क्या रहता है? इसका डायमीटर कितना रहता है? 2.4 सेंटीमीटर रहता है। ठीक है, इसका डायमीटर क्या होता है? 6 सेंटीमीटर, यानी इसमें ये ट्यूब में ऐसे रहते हैं। ठीक है, तो इसको अभी बजा मैंने क्या होता है? इस अरेस्टर को क्या करते हैं? 25 क्यूबिक यूनिट के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, इतना जानने रखने का। इस अरेस्टर को क्या 25 क्यूबिक यूनिट के लिए, और इसकी जो कैप रहती है वो किसकी रहती है? चीनी माटी की बनी रहती है। ऊपर की जो कैप रहती है वो कैसे रहती है? चीनी माटी की बनी रहती है। ठीक है, एक अक्सर यूज किया जाता है 25 किलोवोल्ट के यूनिट तक इसका यूज करते। ठीक है, क्या क्या ऑफसेट में। उसके बाद है ऑटो वॉल अरेस्टर।
इस प्रकार का जो रेस्टर रहता है ये जनरली अभी फिलहाल यूज रहा है क्योंकि ये सस्ता गिरता है मार्केट में और हाई वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। इसको एटोवाल एटिंग अरेस्टर को इसको क्या करते हैं हाई वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। ठीक है ठीक है। वैसा एक थायराइड रेटर रहता है इसको भी क्या 15 सेंटीमीटर का डायमीटर रहता है इतना आपको जानने की जरूरत नहीं उतना ठीक है इसको। लेकिन एक मान लो जिसने हॉर्न का बैटिंग रेटर का ऑफसाइड बिल रेटर था एटो वॉल रेटर था थायराइड रेटर था लेकिन जो जनरली कौन सा भी रहता है एटो वॉल रेटर क्योंकि ये क्या करता है जो ऊपर की बिजली भी आती है उसको भी कंट्रोल करने का काम यही करता है और वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी करने का काम यही करता है। ठीक है और अपना ओवरहेड लाइन के लिए जनरली कौन सा यूज होता है एटो वॉल अरेस्टर लाइटिंग अरेस्टर। ठीक है इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें एक लाइटिंग कंडक्टर आता है। लाइटिंग कंडक्टर क्या करता है ये लाइटिंग कंडक्टर अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है आज के लिए इतना ही। हेलो थैंक यू आज मूवी नहीं था मेरा।